आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 6 या 7 सितंबर को होगा, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि वे कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। सब्सक्राइब कीजिए विकी क्रिकी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाएं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ओमान में होना है। इसी मेगा इवेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने टीम के ऐलान को लेकर डेडलाइन जारी कर दी थी। ICC ने कहा था कि सभी टीमों को 10 सितंबर तक अपनी टीम की घोषणा करनी होगी। इसी वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI भी जल्द टीम इंडिया की घोषणा करने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो 6 या 7 सितंबर को चयनकर्ता T20 विश्व कप के लिए टीम का चयन करने बैठेंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कप्तान विराट कोहली, मुख्य कोच रवि शास्त्री और उनके अलावा उप कप्तान रोहित शर्मा के भी इस मीटिंग में बैठने की उम्मीद है। इससे पहले जान लीजिए कि वे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस टीम में T20 विश्व कप के लिए चुना जा सकता है। दरअसल भारतीय टीम के पास ऐसे 11-12 खिलाड़ी हैं जिनको T20 विश्व कप के लिए ऑटोमेटिक एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि वे लगातार टीम का हिस्सा बने हुए हैं और वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। BCCI T20 वर्ल्ड कप के लिए मुख्य तौर पर 15 सदस्य टीम की घोषणा करने वाली है, क्योंकि ICC ने इस इवेंट के लिए 15 सदस्य टीम ही चुनने के लिए कहा है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की परेशानियों को देखते हुए हर एक टीम को 7 रिजर्व के तौर पर खिलाड़ियों को चुनने की भी अनुमति है, जो रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि BCCI भी कम से कम 3 या फिर 5 रिजर्व खिलाड़ियों को स्क्वाड में रख सकती है। अब बात करते हैं कि वे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय टीम में सीधे जगह मिलने वाली है। तो दोस्तों, इन खिलाड़ियों में कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर ऋषभ पंत, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, स्पिनर युजवेंद्र चहल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार का नाम शामिल है, जिनको बिना किसी अगर मगर के टीम इंडिया में जगह मिलने वाली है। लेकिन अन्य 4 खिलाड़ी कौन होंगे, इसके लिए कोच रवि शास्त्री, कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ताओं को माथापच्ची करनी होगी। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि ये खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं जिनको टीम इंडिया में जगह मिलने वाली है। दरअसल अगले संभावित खिलाड़ियों की बात करें तो अन्य 4 खिलाड़ियों में बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और स्पिनर के तौर पर आर अश्विन को देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के पास UAE की परिस्थितियों को देखते हुए कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है। ऐसे में ऑफ स्पिनर आर अश्विन को टीम में जगह मिल सकती है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा थे, लेकिन वे फिंगर इंजरी की वजह से IPL से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनका चयन संभव नहीं लगता। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में चोटिल होने के बाद श्रेयस अय्यर ने हर एक फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और मैच फिटनेस भी हासिल कर ली है। T20 विश्व कप के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वहीं अगर रिजर्व खिलाड़ियों की बात करें तो BCCI कम से कम 3 या फिर 5 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहेगी। अगर 3 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर T20 विश्व कप के लिए टीम में चुना जाएगा तो संभावित रूप से ये खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, ईशान किशन और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। वहीं अगर टीम 5 रिजर्व खिलाड़ियों को अपने साथ रखना चाहेगी तो फिर सिराज, किशन और चक्रवर्ती के अलावा शिखर धवन और राहुल चाहर को भी T20 विश्व कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से खिलाड़ी को T20 विश्व कप की टीम में देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।